सब्सक्राइब कीजिए शविस्ता खान को और मैं लाइक आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शविस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में आपको बताऊंगी कि जिंजर को स्टोर कैसे किया जाता है, इसको 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके किस तरह से रखा जाता है। इन दिनों में जिंजर काफ़ी सस्ती होती है तो उसका हम यूज़ करते हैं जिंजर को स्टोर करके। ये मैंने देखिए छोटी वाली जिंजर ली है, आप इसमें बड़ी वाली जिंजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको आज मैं स्टोर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने जिंजर ले ली है 500 ग्राम, इसको छील कर और अच्छे से वॉश करके रख दिया है। इसके अलावा एक मैंने मिक्सी जार लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है और एक हमें चाहिए होगी ये आइस ट्रे। तो सबसे पहले इसको जिंजर को हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें ग्राइंडर जार में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेते हैं, साथ ही इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। इसको कवर कर देंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए जिंजर का मैंने पेस्ट बना लिया है, देखिए काफ़ी स्मूथ पेस्ट बना है। इसी तरह से हमें चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे मेन बात है सस्ती के साथ ही जिंजर को स्टोर करने के लिए जब भी कभी हमें सब्जी कुछ भी बनाना होता है तो उसमें अगर हमें डालनी हो तो उससे हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है और हमें सब्जी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। झट से इसको फ्रीजर से निकालिए और इसके क्यूब्स को, और आप किसी भी सब्जी में इसको डाल सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से इस स्पून की मदद से इस ट्रे में सेट कर देंगे इस तरह से। जितना इसमें आ जाता है उतना हम इसमें सेट कर देंगे और बाकी का जो बचेगा उसको हम एयरटाइट कंटेनर में करके और फ्रीजर में रख देंगे। इसी तरह से आपको पूरी ट्रे को फिल करना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए हमारी ट्रे पूरी फिल हो चुकी है। अब इसको हम धीरे धीरे से इस तरह से प्रेस कर देंगे इस तरह से। देखिए पूरी ट्रे को ये हमारी फिल हो चुकी है और देखिए ये जिंजर पेस्ट भी हमारा बच गया है। तो इसको हम इस तरह से कवर करके रख देंगे, इसको हमने कवर कर दिया है। अगर आप चाहें तो सारे जिंजर के क्यूब्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही क्यूब्स ट्रे थी तो हम एक ही आइस क्यूब में ये जिंजर को रखकर और क्यूब्स की शक्ल में बना रहे हैं। अगर आपके पास दो हैं तो आप इसको दो ट्रे में भी बना सकते हैं। तो जब ये हमारे क्यूब्स बन जाएंगे तो देखते हैं इसको भी हम शायद बना लेते हैं। तो पहले तो इसको हम या तो 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीजर में रख देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी रात के बाद हमारी जिंजर इस तरह से देखिए जम गई है पूरी तरह से। ये हमने जो आपको दिखाई थी वो वाली है, इस तरह से पीसेस बन गए हैं। इसको हमने इस आइस ट्रे से निकाल लिया है। अब जो हमारी बची हुई जिंजर थी उसको भी हमने आइस ट्रे में ट्रांसफ़र करके और ये भी हमारी काफ़ी अच्छे से आइस की तरह बन गई है। अब इसको भी हम इस वाले
इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से। हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर, देखिए हमने सारी ट्रे में से जिंजर निकाल ली है। ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं इसको इस तरह से अलग कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे क्यूब्स में हमारी जिंजर बन चुकी है। आप इसको जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसका एक पीस, जितनी भी आपको जिंजर की ज़रूरत हो उतने पीसेस के उठाकर और आप अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूज़फुल है। इसको आप भी अपने किचन में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।